अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आज बनने लगे हैं चाइनीज़ राइस, जो बहुत ही मज़े के टेस्टी और झटपट तैयार होते हैं। जिसके लिए ये चिकन को मसाला लगा के रख दिया, इसको लगाया है सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका। अब सबसे पहले हम कर लेंगे सब्जियों को फ्राई। सब्जियों को फ्राई हमने करना है तेज़ आंच पे, हल्की आंच पे नहीं करना, पूरी तेज़ आंच पे सब्जियों को फ्राई करूँगी मैं। ये मटर और गाजर मैंने डाल दिए, इसे अच्छी तरह से करेंगे फ्राई। सब्जियां हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब डालेंगे इसमें अपने दूसरे मसाला जात, वो डालते हैं। ये 2 टेबलस्पून डालूंगी इसमें मैं नमक, ये 1 स्पून डालूंगी इसमें चाइनी नमक, और 1 स्पून डालूंगी इसमें मैं ब्लैक पेपर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इनको। ये चिकन डाल देंगे जिसको हमने मसाला लगा के थोड़ा सा पका लिया था। सिरका, लहसुन अदरक का पेस्ट, सोया सॉस, चिली सॉस ये लगा के मैंने रख दिया था, फिर 2 मिनट के लिए चूल्हे पे पका लिया था। अब इसे सब्जियों के साथ थोड़ा सा पका लेते हैं। अब इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून डालूंगी इसमें मैं सोया सॉस। अब अच्छी तरह से इसे हम भून लेंगे। एक तरफ चूल्हे पे हम एग को फ्राई कर लेंगे। एग को 3 अदद अंडे लिए थे, जिनको अच्छी तरह से फेंट कर मैंने थोड़ा एक चुटकी इसमें डाला मैंने फूड कलर, जर्दा कलर, और इसको अलहदा से मैंने पका लिया। अब ये सब्जियां भी हमारी, चिकन सब्जियां भी हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें डालेंगे हम, अब डालते हैं अपने चावल। चावलों को मैंने उबाल लिया था, अब अच्छी तरह चावल अच्छी तरह फुल उबालने हैं आपने, क्योंकि जब बिरयानी बनाते हैं एक कनी हम कच्चे रखते हैं कि दम में और कौरमे में पक जाएंगे। इसमें हमने चावलों को फुल उबालना होता है, सिर्फ 5 मिनट नाम पे रखना होता है। अब अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी।
ये अब मैं डालूंगी इस, जब हमने को 5 मिनट पकाना है इस टाइम पे मैंने डाल दिया बंद गोभी, क्योंकि फिर बंद गोभी का कच्चा कच्ची कच्ची ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा पके ना। जब पक जाती है तो फिर वो चाइनीज़ में अच्छी नहीं लगती। अब इसे हम 5 मिनट के लिए नम दे देंगे, सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि चावल भी हमारे पके हुए हैं, वेजिटेबल भी हमारी सारी पकी हुई है, कोई अच्छी तरह से नीचे से मिक्स मिक्स कर लें, क्योंकि इसका घी वगैरह नीचे होता है, फिर अच्छी तरह से ये मिक्स नहीं होती। अब अंडे डाल देंगे, बहुत मज़े के, ये रेस्टोरेंट से बेहतर घर में चाइनीज़ राइस बनाएं, यकीन करें इतने टेस्टी मज़े के ये चाइनीज़ राइस घर में बनते हैं, बहुत ही कम पैसों में बनते हैं। ये एग भी हमने शामिल कर दिए हैं, माशाल्लाह से चाइनीज़ राइस बनकर हमारे तैयार हो गए हैं, जो बहुत ही मज़े के टेस्टी बने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये छोटी सी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खुदा हाफिज़। कलरफुल चावल चाइनीज़ राइस।